हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। इंडिया में 90 ईयर से भी ज़्यादा इसे बिजनेस करते हुए हो गए। डेट फ्री कंपनी है और जैसे कि आपने अपने थंबनेल में देखा होगा कि डिविडेंड भी कंपनी ने आज दिया, बहुत बेहतरीन डिविडेंड दिया है और शायद ये दूसरी बार डिविडेंड देने को जा रही है कंपनी। इंटरिम डिविडेंड है ये और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। आइए इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज बेल आइकन को हिट करिए और हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। एज वेल एज अगर बात करें अकाउंट ओपनिंग की, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और जीरो डिलीवरी चार्जेस है, फ्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज 20 रुपीज़ यहाँ पर FNO के चार्जेस है, मतलब इंटरडे अगर आप करते हैं तो। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए जो रिटर्न्स का प्रोफाइल है, बहुत बेहतरीन रिटर्न का प्रोफाइल है। वन डे मतलब सारे पैरामीटर पे पॉजिटिव, हरा निशान आपको मिलेगा। हरा निशान मतलब हरी झंडी, मतलब वन डे 13-14% का प्रॉफिट, वन वीक 21, वन मंथ 19%। देखिए हर पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा है और अगर हम बात करें कि 10 ईयर्स तो 10 ईयर्स में लगभग 288% के मतलब बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को हमेशा ही बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो आइए और भी कुछ जान लेते हैं, तो कंपनी का नाम जान लेते हैं और कुछ न्यूज़ है तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहिएगा, क्योंकि आपको उस न्यूज़ से रूबरू करा सकूं कि कंपनी के में आपको क्या दिया है। तो आइए देखिए जो हम बात कर रहे थे शेयर का नाम, तो शेयर का नाम है गुडियर इंडिया लिमिटेड। टायर बनाने की कंपनी है जैसा कि आप सब जानते हैं। वन डे का परफॉर्मेंस देखिए लगभग 120% की यहाँ पर जंप, 120 रुपये की जंप देखी गई है, मतलब 13-14% का जंप और इससे भी ज़्यादा जंप हुई थी, बट थोड़ा सा करेक्ट हो गया ये शेयर। और 5 डेज का परफॉर्मेंस देखिए लगभग 840 पे शेयर चल रहा था और अचानक जंप मिली। वन मंथ का देखिए पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ का देखिए पॉजिटिव, ईयर टिल डेट देखिए लगभग 1151 रुपये पे ये कंपनी चल रही थी और अभी भी अगर आपके पास मौका है लगभग 13% कमाने का, क्योंकि यहाँ तक 52 भी खाई तो जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम की बात करें तो देखिए कंपनी का शेयर लगभग 1996 में 87 रुपीज़ पर था और मल्टी बैगर रिटर्न दिए और इस सेक्टर में 2018 के बाद गिरावट आई है, पूरे सेक्टर में आई है, इस शेयर में ही नहीं, तो इस वजह से ये गिरा पड़ा है। बट ये इस लेवल पर भी जा सकता है और लगभग 20% के आपको रिटर्न और इनिशियल बेस पे दे सकता है और आगे चल के तो कंपनी देखिए आप देख ही रहे, बहुत अच्छी कंपनी है और ऊँचे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको जिगजैग मोशन ज़्यादा दिखाई देगा। इसके पीछे वॉलेटिलिटी के पीछे का रीज़न सिंपल ये है कि स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में आपको इसी तरीके का रिटर्न्स का प्रोफाइल और वो सब चीज़ आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। बट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्मॉल कैप कंपनी इस तरीके के रिटर्न दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी हमारे रडार में हमेशा होनी चाहिए। और वन डे में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक फ्लैट चल रही थी कंपनी, बट अचानक ही इसने जंप मारा। ओके, तो इसके पीछे का रीज़न भी है। ओके, तो उस रीज़न क्या है 10-13% इस तरीके से भागने का, तो वो हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस कंपनी की डिलीवरीज, तो लगभग देखिए आज के दिन में 45-46% की डिलीवरीज केवल उसी न्यूज़ के बेस पे दी उठाए यहाँ पर उठाई गई है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। इन्वेस्टर्स ने लगभग 46% के शेयर आज के दिन में खरीद लिए। तो अगर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करें तो देखिए आपको पता चलेगा इसके न्यूज़ कुछ देखें तो मार्केट कैपिटल लगभग 2000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, PE 29 का इसका PE चल रहा है। एज वेल एज अगर हम बात करें कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके, हेल्दी डिविडेंड कंपनी देती है लगभग 28% का, 29% का। और सेल्स की बात करें तो देखिए कंपनी के सेल्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2017 में लगभग 400 करोड़ रुपए के सेल्स थे जो कि अभी बढ़ के इस क्वार्टर में जो कि लास्ट 481 हो गए और लास्ट क्वार्टर में कितने थे 227, मार्च में कितने थे 375। देखिए इधर हाफ ईयरली में भी देखिए यहाँ पर जंप देखी गई है आपको और क्वार्टरली बेस पर भी, इसी हिसाब से देखिए एक्सपेंस तो बढ़ते ही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव के वो थे
और अगर हम बात करें प्रोसेस यहाँ पर 2017 से, तो देखिए इतने प्रॉफिट नहीं था जितना प्रॉफिट इसने इस कंपनी ने इस क्वार्टर में निकाल के Q2 में दिया है। इस वजह से इस कंपनी ने आपको एक अच्छी न्यूज़ दी गई है। EPS की बात करें तो 21 का EPS चल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव था। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो देखिए यहाँ पर सेल्स देखिए, कंपनी के सेल्स 920 से लगभग इस क्वार्टर में अभी तक मतलब 1500 करोड़ के यहाँ पर आपके सेल्स नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंस की बात करें तो 1391 के यहाँ पर एक्सपेंस भी हुए हैं। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं अभी तक लगभग 69 करोड़ रुपीस का है। एंड बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो देखिए रिजर्व्स देखना है यहाँ पर, रिजर्व्स कंपनी के 138 करोड़ के थे 2008 में, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते 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 लगभग 907 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स है। सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं। बोरोइंग की बात करें तो देखिए कंपनी के पास पहले डेट फ्री चल रही थी, बट अभी लगभग थोड़ी सी बोरोइंग मार्च में 15 थी और अभी 17, तो ये नेग्लिजिबल बोरोइंग कह सकते हैं। इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बोरिंग ली होगी, ऑब्वियसली बात है छोटी कंपनी है तो काम के लिए बोरिंग ली होगी और जल्दी चुका भी देगी, क्योंकि जैसे कि हम इसकी हिस्ट्री देखते आए हैं। तो कंपनी के एसेट देखिए 368 करोड़ रुपीज़ के, तो लगभग 1361 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एसेट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कैश फ्लो भी अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पैटर्न देखिए काफ़ी अच्छा है। लगभग 2017 से 74% की हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर लगभग 2% की हिस्सेदारी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगभग 7.56% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास लगभग 16.41% की हिस्सेदारी यहाँ पर है, जो कि थोड़ी सी इन्होंने 2017 के कंपैरिजन में कम कर दी है। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर सारे की सारी चीज़ों की। अगर मैं अब आपको बताऊँ कि कंपनी ने 3 बार बोनस दिया है, 1 बार राइट इशू भी लाया है, तो कोई दोहरा ही नहीं होगा। देखिए 1973, 1977, 1990 में कंपनी ने 3 बार बोनस दिया है। डिविडेंड की बात की है तो देखिए अगस्त में लगभग 13 रुपये का डिविडेंड दिया था और अभी दोबारा कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो लगभग कंपनी के जो कि हर साल कैश बढ़ते जा रहे हैं, तो लगभग 546.7 करोड़ के यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर हम देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट एक नंबर है। 5 out of 5 star इसे देना चाहूँगा। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, तो टायर्स में काम करती है और काफ़ी बेहतरीन टायर यहाँ पर आती है और बहुत पुरानी यहाँ पर कंपनी भी है, जैसे कि 90 ईयर्स केवल यहाँ पर इंडिया में हो गए ऐसे प्रेजेंस हुए, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अब देखिए न्यूज़ पे आ जाते हैं तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है गुडियर इंडिया अनाउंसेस इंट्रीम डिविडेंड। मतलब इंट्रीम दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंट्रीम एंड फाइनल। तो अभी जो कि इंट्रीम डिविडेंड दिया है 80 रुपये का, मतलब फाइनल भी आ सकता है। तो काफ़ी 80 रुपये का यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया गया है, जो कि इसकी एक्स डेट कितनी है, एक्स डेट मैं आपको बताता हूँ 14, मतलब 14 तारीख तक यहाँ पर आप अपीयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर लिस्ट लेंगे तो 14 तारीख तक आपको ये डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये हो गई सारी की सारी बातें। तो शेयर का नाम आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गुडियर काफ़ी बेहतरीन शेयर है। बॉटम से टॉप तक का इसका एक जो एरो बनता है, जो हम देखते चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अकाउंट ओपन कराने के लिए यहाँ पर लिंक पे आप क्लिक करिएगा और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।